अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन टिक्का बिरयानी। तो मैंने यहाँ पे चिकन के कुछ पीसेस ले लिए हैं, तकरीबन मैंने 1.5 किलो चिकन ली हूँ। इसे मैंने पानी में डालकर वाइट विनेगर डालकर रख दिया है क्लीन करने के लिए। अब मैं इसे थोड़ा 20 मिनट के लिए तकरीबन रहने दूँगी, उसके बाद मैं इसे अच्छे से वॉश करके ले लूँगी। इससे क्या होगा, आपका जो चिकन है वो जूसी भी हो जाएगा और अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा विनेगर डाल के वॉश करने से। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैं करती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे के मसाले बताती हूँ क्या क्या डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक कांच का बाउल ले ली हूँ और उसमें मैंने 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट डाल दी हूँ। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये चिकन टिक्का मसाला, कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हो। ये पूरा पैकेट मैं यूज़ कर लूँगी, चिकन को मैं मुझे इसमें मैरिनेट करना है, तो ये पूरा पैकेट मैं पलट दूँगी और इसे अच्छे से एक मिक्स देकर मसालों को प्रिपेयर करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने टिक्का मसाला को भी पलट दिया है इस बाउल में। अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट भी ऐड कर लिया है। मैंने 2 टीस्पून नींबू का रस भी डाल दी हूँ इसमें। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स करके एक प्रॉपर पेस्ट बना लूँगी, फिर उसमें मैं चिकन जो है उसे अच्छे से मैरिनेट कर लूँगी। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाकर प्रॉपर पेस्ट बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसमें 2 से 3 टीस्पून कॉर्नफ्लावर का आटा भी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कॉर्नफ्लावर का आटा भी ले लिया है, इसे अच्छे से मिला लूँगी मैं, अच्छे से एक प्रॉपर पेस्ट बना लूँगी। उसके बाद चिकन जो है उसे मैं पानी से अलग करके वॉश करके इसमें मैरिनेट कर लूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ प्रोसेस करके। तो यहाँ पे देखिए, सारे मसाले जो है अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं चिकन के पीसेस सारे पानी में से निकाल के धोकर इसमें ऐड कर लूँगी और अच्छे से मैरिनेट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने चिकन के सारे पीसेस को टिक्का मसाला में मैरिनेट कर ली हूँ अच्छे से। अब मैं इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी ढककर। आधे घंटे के बाद फिर हमें इन चिकन टिक्का पीसेस को पैन में फ्राई करना है कम ऑयल में। ठीक है, तभी इसे हम आधे घंटे के लिए एक साइड रख देते हैं। जैसे ही आधा घंटा हो जाएगा फिर हम आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, मैंने गैस का फ्लेम फास्ट रख के एक पैन चढ़ा दी हूँ और पैन में मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल ले ली हूँ। अब ये ऑयल एक बार अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम जो ये चिकन टिक्का के पीसेस हैं, आधा घंटा पूरा हो चुका है, इसे हम फ्राई कर देंगे एक एक करके डाल के। ऑयल जो है गर्म हो चुका है, अब हम चिकन टिक्का के जो पीसेस मैंने मैरिनेट करके रखी थी वो एक एक करके इसमें डालेंगे और उलट पलट करके हम इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, गैस का फ्लेम आपको फास्ट ही रखना है, थोड़ा 1-1.5 मिनट ये एक तरफ से कुक हो जाए फिर टर्न करके फिर आप उसे गैस के फ्लेम को स्लो करके फिर आप इसे 1.5 मिनट के लिए कुक करना। अलट पलट करके आपको चारों तरफ से चिकन के पीसेस को कुक करना है ताकि ये अच्छे से इसमें एक प्रॉपर क्रिस्पी कोटिंग आ जाए। उसके बाद हम आगे चिकन टिक्का बिरयानी का प्रोसेस करेंगे। ऐसे ही करके अलट पलट करके हम सारे बैचेस फ्राई कर लेंगे टिक्का बिरयानी के प्रोसेस से पहले, फिर मैं आपको दिखाती हूँ पूरा चिकन के पीसेस सारे फ्राई होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी उसका लुक किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखिए, चिकन पीसेस को मैंने पलट दी हूँ, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें। इसी तरीके से सारे चिकन के पीसेस हम टर्न बाय टर्न फ्राई करके निकाल लेंगे और पूरी तरह से सारे चिकन पीसेस रेडी हो जाए तो मैं उसका लुक आपको दिखाती हूँ तलने के बाद। सारे चिकन के पीसेस हम तल के निकाल लेंगे, प्रोसेस कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो गाइस देखिए, हमारे चिकन टिक्का के पीसेस फ्राई होके रेडी हो गए, सारे पीसेस मैंने फ्राई कर ली हूँ। अब हम इसके आगे का प्रोसेस करेंगे, बिरयानी का जो मैरिनेशन करना है हम इस बाउल में प्रिपेयर करेंगे उसे। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने चिकन बिरयानी मिक्स लिया है सुहाना का, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो। ये मैं ऐड करूँगी, उसके अलावा घर के कुछ पाउडर स्पाइसेस भी ऐड करूँगी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सारे पाउडर मसाले ले ली हूँ, चिकन बिरयानी मसाला ली हूँ मैंने सुहाना का,
ये देख रहे हैं आप ब्राउन पार्ट जो देख रहे हैं आप, ये सारा मसाला है। ये पूरा पैकेट ले ली हूँ मैंने। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ली हूँ, बिकॉज़ बिरयानी मसाला में नमक ऑलरेडी है, तो मैंने सिर्फ़ 1 टीस्पून और ऐड किया है इसमें। ज़्यादा नमक नहीं डालूँगी मैं। अब उसके अलावा यहाँ पर मैंने लिया है जायफल और जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून। खुशबू के लिए डाल रही हूँ मैं ये। 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 2 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, और 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। इन सारे मसालों को मैरिनेट कर लेंगे। ये गरम मसाला पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। सब कुछ हम मिला लेंगे अच्छे से, और इसमें मैं आगे दही भी ऐड करूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ। प्रॉपर तरीके से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ इन मसालों में देखिए, मैंने 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून चिली पेस्ट भी डाली हूँ। इस सारे मसालों को अच्छे से मैरिनेट करने के अलावा हम इसमें 4 टीस्पून दही भी ऐड करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आगे प्रोसेस दिखाती हूँ किस तरीके से करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ 4 टीस्पून दही भी ले ली हूँ। अब इन सब मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हम लेमन जूस भी ऐड करेंगे, तकरीबन 2 से 4 टीस्पून ऐड करेंगे एज़ पर टेस्ट, जैसा आपको रिक्वायरमेंट हो वैसा। और फिर इन मसालों में हम ये चिकन टिक्का के पीसेस भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए गाइस, हमारा मसाला जो है अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब मैं इसमें बिरिस्ता भी ऐड करूँगी। मैं यहाँ पर रेडीमेड बिरिस्ता डालूँगी इसमें, मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप फ्रेश बिरिस्ता बना के इसमें ऐड कीजिए। मैं इसमें तकरीबन 2 बाउल बिरिस्ते का ऐड करूँगी, और चिकन के पीसेस ऐड करके अच्छे से प्रॉपर मिक्स दे के इसे मैरिनेट कर लूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से करना है। सब कुछ मिला लेंगे हम अच्छे से। देखिए, इस तरीके से मैंने चिकन के पीसेस और बिरिस्ता सब कुछ इस मसाले में मिला ली हूँ, बिरयानी के मसाले में। और अब हम इन मसालों को भी तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने देंगे, और आधे घंटे के प्रोसेस होने तक के हम इसे ढक कर रख देंगे और आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे जो भी करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 8 आलू के पीसेस ली थी, उन्हें छील कर मैंने 1 आलू के 4 पीस की थी, और उन्हें मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर ली हूँ। एक तरफ मैंने ग्रीन कलर ऐड किया है, और एक तरफ मैंने रेड फूड कलर ऐड किया है। और इसी तरीके से हम इसे मिक्स करके इसे फ्राई कर लेंगे आलू को, और फ्राई करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। इसका लुक थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, हल्का सा फ्राई करेंगे हम इसे, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है आलू को, ताकि कोटिंग अच्छे से पकड़ ले। कलर इसमें ऑलरेडी आ गया है, तो हम आलू को फ्राई करके निकाल लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। तब तक के हमारा चिकन भी है वो मैरिनेट होता रहेगा 1/2 आवर के लिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक बड़ा पतीला ले ली हूँ, गैस का फ्लेम फास्ट है, और मैंने इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल ली हूँ, जिसमें अब हम आलू को फ्राई करेंगे। और आलू फ्राई करके निकालने के बाद उसी ऑयल में हम चिकन को भूनने के लिए डालेंगे बिरयानी के लिए, ठीक है। तब ये ऑयल गरम हो जाए एक बार, तो फिर हम चिकन, ये जो आलू के पीसेस हैं उन्हें एक एक करके फ्राई कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारे रेड फूड कलर डले हुए आलू को पहले मैंने डाल दिया। ये बैच कंप्लीट करके हल्का सा फ्राई करके मैं निकाल लूँगी। इसके बाद मैं जो ग्रीन कलर डाल के मैंने जो आलू मैरिनेट की थी वो भी मैं फ्राई कर लूँगी। देखिए, ग्रीन कलर जो मैंने डाल के आलू को मैरिनेट की थी वो भी मैं फ्राई करके ले रही हूँ। गैस का फ्लेम फास्ट ही रखना है आपको, ताकि आलू अच्छे से फ्राई हो जाए। फ्राई करके दोनों निकाल के फिर मैं आपको एक साथ दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए गाइस, आलू भी हमारे फ्राई हो गए हैं, निकाल लिया है मैंने उसे ऑयल से। अब इसी ऑयल में, ये मुझे ऑयल ज़्यादा लग रहा था तो मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल निकाल लिया इसमें। अब इस ऑयल में मैं जो मैरिनेट किया हुआ हमारा मसाला है, चिकन डला हुआ, ये हम डाल देंगे और इसे अच्छे से भूनने देंगे। मैं आपको आगे प्रोसेस दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने गैस का फ्लेम स्लो कर दी हूँ, और उसी ऑयल में अब हम जो है चिकन जो मसाला लगा हुआ रेडी है हमारा, उसे पलट देंगे भूनने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने चिकन को ऑयल में पलट दी हूँ, उसकी भुनाई स्टार्ट हो गई है। तो हम क्या करेंगे, चिकन को अच्छे से भूनने देंगे।
तकरीबन मैं इसे ढककर 10 मिनट के लिए कुक करूँगी। 10 मिनट कुक करने के बाद फिर मैं इसमें जो हमने आलू फ्राई किए थे वो भी ऐड कर लूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ। तो चिकन भुनकर जो है 10 मिनट हो चुके हैं। अब ये आलू भी मैं इसमें पलट दूँगी और इसे एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे हम, ताकि मसाले आलू में भी अच्छे से लग जाए। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढककर और 10 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि हमारा आलू भी अच्छे से मसालों में लगने के बाद चिकन और आलू दोनों प्रॉपर तरीके से कुक हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आलू और चिकन को अच्छे से मिला ली हूँ। इसकी भुनाई का प्रोसेस अभी भी चल रहा है। अब मैं इसमें एक मुट्ठी भर कोथमीर और पुदीना मैंने वॉश करके ले लिया, ये मैं ऐड कर लूँगी। ये मैं खुशबू के लिए डाल रही हूँ। इसके अलावा कोथमीर और पुदीना मैं ऊपर से गार्निश करते वक्त डालूँगी। मैंने मैरिनेशन का प्रोसेस करने से पहले ही चावलों को बॉईल करके रेडी करके रख लिया है बिरयानी के लिए। छन्नी में डालकर मैंने चावल रख दिए। अब एक बार ये बिरयानी का मसाला जो है अच्छे से प्रिपेयर हो जाए तो फिर मैं इसमें चावलों को ऊपर से बिछा दूँगी। इसकी भुनाई होने देते हैं हम, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ढक कर बिरयानी को कुक होने दिया मसाले को। 10 मिनट पूरे हो गए हैं, भुनाई अच्छे से हो गई है, हमारा चिकन और आलू ऑलमोस्ट हो गया है। अब मैंने जो चावल ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे उसे हम ऊपर से बिछा देंगे, और बिछाने के बाद मैं उसे गार्निश कर दूंगी अच्छे से। फूड कलर डालूंगी मैं, घी डालूंगी, कोथमीर और पुदीना डालूंगी और बेरिस्ता डाल के गार्निश करूँगी। उसके बाद फिर मैं आपको फाइनल इसका लुक दिखाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए गाइज, मैंने सारे चावलों को बिछा दी हूँ। अब मैं इस पे बेरिस्ता, फूड कलर, कोथमीर, पुदीना और घी डालकर इसे दम पे रख दूँगी। चावलों को, बिरयानी को दम पे रख दूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद ये प्रिपेयर हो जाएगा तो मैं आपको इसकी फ़ाइनल प्लेटिंग दिखाती हूँ। बिरयानी हमारी रेडी हो जाएगी। तो गाइज़ देखिए, यहाँ पर हमारा चिकन टिक्का बिरयानी बन के तैयार हो चुका है। ये बहुत ही टेस्टी डिश बनी थी, चटपटी और टेस्टी डिश बनी थी और सबको बहुत पसंद आई थी। तो आप ये ओकेजनली भी बना सकते हो। अगर आपके घर में कोई फेस्टिवल है या कोई गेस्ट आने वाले हैं तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाना और मुझसे ज़रूर शेयर करना कि आपके घर में सबको ये रेसिपी कैसी लगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कोई यूनिक तरीके से अगर आप बिरयानी प्रिपेयर करते हो, आप मसाला कुछ डिफरेंट तरीके से ऐड करते हो, तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करना। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।